हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पैंट का नाप लेना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर बैठे आप लोगों को स्टिचिंग कोर्स कराते हैं हम वीडियो कॉलिंग पर फेस टू फेस। अगर आप लोगों को घर बैठे सिलाई का कोर्स करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा सिलाई का कोर्स कराया जाएगा बहुत ही आसानी से घर बैठे। तो आइए सीखते हैं पैंट का नाप लेना। सबसे पहले हमें लेना है पैंट की लेंथ। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमें लेंथ लेना है पैंट की। मूरी तक इसकी लेंथ है 41 इंच यानी 41। इसकी लेंथ हमने बेल्ट समेट ली है। बेल्ट हमारी अलग से अटैच होती है पैंट में। अगर बेल्ट हटा के हम इसका नाप लेंगे तो 14 आएगी इसकी लेंथ। आप लोग जब भी नाप लें तो बेल्ट हटाकर नाप लें, बेल्ट मेजर नहीं करना है, बेल्ट अलग से जॉइंट होगी इसमें। अब हम लेते हैं थाई का नाप। इस तरीके से हमें थाई का नाप लेना है। देख सकते हैं यहाँ से थाई है हमारी 11.5। अब हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का नाप हमें इस तरीके से लेना है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। इस तरीके से पूरा घुमाते हुए हम ऐसे पूरा नाप ले लेंगे इसका। बेल्ट को हमें नाप ले जाना है। इस तरीके से हमने कमर का नाप ले लेना है। सिर्फ हमें कमर का नाप यहाँ तक लेना है जहाँ तक ये हमारी चेन अटैच हुई हुई है। 30 इंच हमारे कमर का नाप आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। 30 का हाफ होता है 15, 15 का हाफ होता है 7.5। इसके आसन का नाप ले लेते हैं। देख सकते हैं आसन है इसका, इस तरीके से आसन का नाप ले। ये जो सिलाई लगी है इससे पकड़ते हुए इस तरीके से नाप ले लेना है। इसका आसन है 11 इंच। पॉकेट का नाप भी आप लोगों को बता देते हैं। इस तरीके से इसकी पॉकेट लगी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ से बेल्ट लगाकर 2.5 इंच नीचे, देख सकते हैं 2.5 इंच नीचे यहाँ से पॉकेट लगी हुई है इसकी। 6 इंच तक इसकी पॉकेट की लंबाई है। अब हमें घुटने का नाप लेना है। यहाँ से आसन से हम यहाँ से नाप लेंगे थाई से, तरीके से यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ मोहरी तक नाप लेंगे इसका, मोहरी तक। अब इसका हम हाफ कर देंगे, देख सकते हैं इसका हाफ करना है हमें इंची टेप से। ये हमने इसका हाफ कर दिया। और यहाँ से 5 इंच हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आया हमारा घुटने का निशान। घुटना हमारा इसमें तो 11 इंच बैठ रहा है घुटना। आप चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं। हम सिर्फ आप लोगों को नाप लेना बता रहे हैं। अब ले लेते हैं मोरी का नाप। यह है मोरी का नाप आ रहा है 9.5 इंच पर, 9.5। चेन भी बता देते हैं इसकी कहाँ तक लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। चेन इसकी लगी हुई है 8 इंच तक इसकी चेन लगी हुई है। इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेलिंग में आप लोगों का पैंट का नाप लेना बता दिया है। आप लोगों को अब भी कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।